नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत, आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, ये वॉशिंग मशीन हमने ली है अभी, क्योंकि पहली जो मशीन थी वो 30 कपड़े की थी, 15 kg का, तो बहुत ही प्रॉब्लम होता था क्योंकि काम बहुत बड़ा है और फिर उसमें बहुत कम काम होता था। तो इसके लिए ये मशीन ले लिए है, ये 100 कपड़े की मशीन है और इसमें ये हाइड्रो का भी ऑर्डर दे दिया है, हाइड्रो भी आ जाएगा क्योंकि इस मशीन के साथ में हाइड्रो भी बड़ा होना चाहिए और फिर ब्लैंकेट उसको भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये वीडियो आपको मशीन दिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ। अभी इस पे जो काम हो जाए होगा, अभी इसका रिजल्ट देखेंगे कि कैसा काम करती है, क्या करती है, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फिर आपको मैं ये मशीन दिखाता हूँ, तो देख लीजिए। इधर से पानी छोड़ देना है, अभी इसका फिटिंग नहीं किया। और ये आपको दिखाते हैं, अभी हमने इसका पूजा की है मशीन की। तो आपको अंदर भी दिखाते हैं, शटर घ्यायचे, शटर ऊपर लेने का है। ये आपको मैं शटर दिखाता हूं इसका। ये शटर का ऐसा सिस्टम है, ऊपर से ये जो ड्रम की साइज है 30 बाय 40 का साइज है ये ड्रम। ये लगाने का सिस्टम ऐसा है, अब आपको मैं चालू करके बताता हूँ। इसका कैसा रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, अभी पूजा हो गई है और इसमें हमने कपड़े वॉश नहीं किए हैं, तो जैसे ही कपड़े वॉश करेंगे तो क्या क्या होता है, कैसा रिजल्ट आता है, क्या आता है, कितने कपड़े बैठते हैं, ये आपको हम बताएंगे। क्योंकि कपड़े की कैपेसिटी क्या होती है मशीन की, कितना कपड़ा डालना चाहिए, केजी पौंड, ये तो हिसाब होता है, मगर एक ओरिजिनल जो इसका हिसाब है मशीन का, बहुत जनों को कंफ्यूजन होता है कि कितना कपड़ा डालना चाहिए, कितने कपड़े की मशीन है। तो दोस्तों, मशीन का ऐसा है, मशीन बड़ी हो या छोटी हो, उसको आधा जगह खाली रहना चाहिए, कपड़े को आधे जगह में कपड़े और आधी जगह खाली, इसी तरह से कपड़े डालना चाहिए, तब जाके रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों, क्या करेंगे, ये जो मशीन है इसका हम कपड़े भी वॉश करेंगे और कैसा रिजल्ट आता है, क्या आता है, सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।